अपने निधन से एक दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत की रमेश तोरानी से क्या बात हुई थी? ये बात सामने आई कि किस तरह से एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था जिसमें रमेश तोरानी, निखिल अडवाणी, सुशांत सिंह राजपूत सब थे, उनको एक स्क्रिप्ट का नरेशन हुआ था। उस दौरान जो है रमेश तोरानी की किस तरह की बात हुई थी उस पूरे कॉन्फ्रेंस कॉल में मैं हिना कुमावत फिल्म इंडो आपको बताऊंगी। रमेश तोरानी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे एक न्यूज़ चैनल के जर्नलिस्ट ने मुझसे 13 जून को दोपहर 2:15 बजे सुशांत के साथ हुई मेरी बातचीत के बारे में पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मेरी बात हुई थी लेकिन मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बिना बताए मेरी कॉल रिकॉर्ड कर ली थी, इसलिए ये बताया जाना ज़रूरी है कि उस दिन क्या हुआ था। मैंने और निखिल अडवाणी ने सुशांत को एक स्टोरी आइडिया बताया था। हम लोग एक कॉन्फ्रेंस कॉल पर थे जिसमें सुशांत के मैनेजर उदय भी शामिल थे। फोन कॉल पर उस कॉन्फ्रेंस कॉल पर मानसिक स्थिति कैसी थी सुशांत की, उस पर वो बोलते हैं, जिस जर्नलिस्ट का मेरे पास कॉल आया था उसने मुझसे पूछा कि उस समय सुशांत के बारे में क्या महसूस हुआ। मुझे नहीं पता था कि प्रोफेशनल कॉल पर आप किसी व्यक्ति के बारे में इस नतीजे पर कैसे पहुंच सकते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहा था। हमारी कॉल बहुत कम समय के लिए थी, शायद मुश्किल से 15 मिनट के लिए, और सुशांत को हमारा आइडिया बहुत पसंद आया था और वो एक शुरुआती बातचीत थी, बस इतनी सी ही बात है। उन्होंने साथ में ये भी कहा, फिल्म इंडस्ट्री और सुशांत के संबंधों के बारे में कुछ गलत थियोरीज को बढ़ावा देने के बजाय मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि व्यवस्था में विश्वास रखें और अधिकारियों को अपनी जांच पूरी करने दें। और मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि कॉल करना बंद कीजिए, क्योंकि हम इस अप्रत्याशित और दुखद घटना पर और कमेंट करने से बच रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि सुशांत की आत्मा को शांति मिलेगी। तो उनका ये कहना है, दरअसल एक लीडिंग मीडिया हाउस ने उन्हें फ़ोन किया था, उनसे बातचीत कर रहे थे और उस कॉल को रिकॉर्ड किया था और उस कॉल रिकॉर्ड को चलाया था जिसमें रमेश तोरानी कमेंट करने से बच रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको वाकई में डिप्रेस लगे, तो उस पर उन्होंने, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो यही जवाब दिया था कि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं अब जो है उन्होंने उन सारी बातों को क्लियर किया है कि एक प्रोफेशनल कॉल थी, आप कॉन्फ्रेंस पे थे, कॉल पर थे, आपको उस दौरान इतनी बातें समझ में नहीं आती है और मुझे बार बार कॉल करना बंद कीजिए, मैं इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। तो इस तरह का एक इंटरव्यू उन्होंने टाइम्स को दिया है जिसमें इन सारी बातों का जो है उन्होंने खुलासा किया है।